नाज़रीन की खिदमत में हमारा आदाब। दीनी मदारिस में असरी उलूम की अहमियत और इफादियत, इस मौजू पर हम आपकी खिदमत में एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे कई जैयद उलमाए कराम और दीगर अहले नज़र अहबाब। और अब मेरे साथ हैं, जो मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी साहब, जो कर्नाटक में जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर हैं और अकाबरीन उलमाए कराम में आपका शुमार होता है। कई अहम माशराती उमूर पर भी आपकी गहरी नज़र है। मौलाना, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, ये बताएं कि दीनी दर्सगाहों में असरी उलूम का जो इस्तेमाल होना लाजमी है और असरी तकाज़ों के तहत हम आहंग होना भी ज़रूरी है, इसकी अहमियत और इफादियत पर आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा सवाल है। आम तौर से लोग ये समझते हैं कि दीनी मदारिस में असरी उलूम से मुतालिक कोई काम दीनी मदारिस में नहीं होता है या नहीं किया जाता है। ये सोच सही नहीं है। जब से दीनी मदारिस शुरू हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह असरी उलूम वहाँ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हिसाब व किताब का मज़मून है, मैथमेटिक्स है, इसको पढ़े बग़ैर, इसमें माहिर बने बग़ैर कोई आलिम बन ही नहीं सकता। एक फ़न है जिसमें मीरास की तकसीम होती है, किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी छोड़ी हुई जायदाद पीछे छोड़े हुए लोगों में तकसीम कैसे हो, इस फ़न को पढ़ना लाजिम है। और इस फ़न को जब वो पढ़ेगा तो पूरी मैथमेटिक्स उसके लिए जानना ज़रूरी है। जिस दिन से आलिम कोर्स मौजूद है उस दिन से यह फ़न मौजूद है। अलबत्ता अंग्रेज़ी वग़ैरह के सिलसिले में वो अहमियत शुरू में नहीं रही, लेकिन हिसाब व किताब रोज़े अव्वल से मौजूद है। और जब से जो है अंग्रेज़ी ज़रूरत ज़रूरी महसूस की गई, बाकायदा अंग्रेज़ी को शामिल किया गया और उलमा इकराम इतनी अंग्रेज़ी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात की तकमील के लिए किसी के मोहताज नहीं बनते। अब फिर उसके बाद तरक्की याफ्ता दौर में कंप्यूटर वग़ैरह आया तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस में कंप्यूटर को लाजिम किया गया। अब हमारे दीनी मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह हिसाब किताब तो बहुत पहले से था, अव्वल दिन से, अंग्रेज़ी उसके बाद शामिल कर ली गई, अब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर भी शामिल कर लिया गया। हमारे उलमा इस वक्त इतने काबिल होते हैं कि वो दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में अपने कंप्यूटर और नेट के ज़रिए पहुंच जाते हैं, मतलूबा किताब निकाल लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसका प्रिंट निकाल के किताबी शक्ल में ला के अपने टेबल पर रख लेते हैं। ये सारा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस में चल रहा है। तो दीनी मदारिस का आगाज़ नुक्ता आगाज़ कहाँ से हुआ, उसके ताल्लुक से भी एक मजमू एतबार से सरसरी कोई एक उसका रेफरेंस? जी, इस्लाम चूँकि मक्के मुकर्रमा में आया और हालात मक्के मुकर्रमा में थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 13 साल गुजारे, आप देखेंगे मक्के मुकर्रमा में आपने कोई मस्जिद नहीं बनाई, हालात नहीं थे, लेकिन चूँकि पहली वही इकरा से शुरू हुई थी, पढ़ने के हुक्म से शुरू हुई थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन मक्के मुकर्रमा में मदरसा कायम फरमा दिया, गरचे के वहाँ मस्जिद बनाई नहीं जा सकी थी उस माहौल में। तालीम का इंतज़ाम पहले कर दिया। हाँ, तालीम का इंतज़ाम पहले कर दिया। क़ियामत तक आने वाले मुसलमानों को पैगाम दिया कि अगर कहीं तुम्हारे लिए मस्जिद के नाम से इबादत खाना बनाने का माहौल ना मिले तो ना बनाओ, लेकिन तालीम गाह ज़रूर बनाओ, चाहे वो किसी मकान को तुम जो है तालीम गाह बना करके तालीमी निज़ाम शुरू कर दो। और जब आप हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ मस्जिद बनाने का माहौल था, तो आपने फ़कत मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी, मस्जिद के साथ मदरसे की बुनियाद रख करके बता दिया कि इबादत के साथ तालीम लाजिम है, तालीम के बग़ैर मुसलमान मुसलमान नहीं। मौलाना, अभी आपने बताया कि मदारिस का नुक्ता आगाज़ ही तालीम पर अहमियत देने के साथ शुरू हुआ है और सारी दुनिया में मसाजिद के साथ लगे हुए मदारिस भी हैं जहाँ तालीम का इंतज़ाम है, न सिर्फ दीनी
بلکہ عصری تعلیم کا بھی انتظام ہے، زمانے کو سمجھنے کے لیے خدا شناسی اور زمانہ شناسی پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ مولانا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ دینی درسگاہوں میں کمپیوٹر کا بھی استعمال ہے اور کمپیوٹر تعلیم میں لازمی طور پر استعمال کی جا رہی ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے یہ اخبارات میں پڑھا اور معاشرے میں دیکھا کہ دینی درسگاہوں کے فارغین جو ہیں وہ جدید علوم میں بھی داخلہ لے رہے ہیں، انجینئرنگ میں بھی ان کا داخلہ ہو رہا ہے، میڈیکل سائنس میں بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ رجحان جو ہے ایک مثبت طور پہ بڑھ رہا ہے، اس کے تعلق سے مزید وضاحت آپ بیان فرمائیں۔ الحمدللہ، بہت بنیادی سوال آپ نے فرمایا۔ اصل میں ہمارے یہاں تعلیم کے شعبے الگ الگ ہیں۔ ایک ہے حفظ کا شعبہ جس کا پیریڈ 2.5-3 سال ہے۔ تو ایک نیا ٹرینڈ یہ شروع ہوا کہ بچے جو ہے 5th یا 7th تک انگریزی میڈیم سے پڑھتے ہیں اسکولوں میں، اور اس بیچ وہ قرآن ناظرہ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، پھر 5th یا 7th پر رک کر کے وہ حفظ کے لیے آتے ہیں، 2.5-3 سال میں حفظ مکمل کر لیتے ہیں۔ اور یہ 2.5-3 سال کا جو وقت ان کا مدرسے میں لگا وہ 9th یا 10th میں ہونا چاہیے تھا، وہ حافظ بن کر باہر نکلتے ہیں، پرائیویٹ یا ریگولر کلاس میں جا کے SSLC کی تیاری کرتے ہیں، اور اینول ایگزام میں وہ فرسٹ کلاس اچھے اسکور سے پاس ہوتے ہیں۔ پھر وہ آگے کی تعلیم میں جاتے ہیں، کالج میں وہ اچھے PCMB وغیرہ لے کر کے سیکنڈ ایئر میں اچھا اسکور کرتے ہیں، پھر ان کو جو ہے MBBS کا بھی موقع رہتا ہے، پھر جو ہے انجینئرنگ کا بھی موقع رہتا ہے۔ یہ نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے الحمدللہ، اس میں بہت سارے حفاظ بہت آگے بڑھے ہیں۔ ایک طرف وہ حافظ بھی ہیں، امامت کے قابل بھی ہیں، دوسری طرف دنیاوی علوم کے ماہر بھی ہیں۔ دوسرا ایک شعبہ ہے عالمیت کا، اس میں حفظ کر کے بھی آ سکتے ہیں اور حفظ کیے بغیر بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں آنے والوں کے لیے قرآن مجید کی تفسیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا، سمجھنا، اس کی باریکیوں کو جاننا رہتا ہے۔ اس شعبے میں وہ کمپیوٹر داخل ہے، چونکہ ان کو عام طور سے اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مستقل عصری تعلیم گاہوں میں جانے کا موقع نہیں رہتا ہے، تو یہاں ان کو بیسک تعلیم، انگریزی تعلیم، کمپیوٹر کی تعلیم اتنی دے دی جاتی ہے کہ یہ الحمدللہ اپنے سارے کام میں خود کفیل ہوتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ مولانا، اب یہ بتائیں کہ جس طرح مدارس کے فارغین جو ہیں، چاہے وہ حفاظ ہوں یا عالم حضرات ہوں، ان کے لیے روزگار کے کیا مواقع ہوتے ہیں؟ دینی درسگاہوں میں کام کرنے کے علاوہ بھی اپنی انکم کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے، اپنے آمدنی کے ذرائع کو بہتر بنانے کے لیے کیا ان کی مشغولیات ہو سکتی ہیں؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے دینی مدارس میں آنے والوں کی تعداد 4% ہے، اور حالانکہ انہوں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ اس سے کم فیصد ہے۔ تو اگر آپ 4% بھی لے لیں گے تو 4% کو جو ہے 96% کو سنبھالنا ہے، تو یہ 4% بہت کم ہے۔ تو 96% کے لیے 4% کی کمی ہے، ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے۔ الحمدللہ، ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے کہیں کوئی بیکار نہیں رہتے ہیں، الحمدللہ۔ وہ تدریسی خدمات مساجد میں، مدارس میں، یا پرائیویٹ طور پر، یا ٹرانسلیشن کا کام، اور اب بہت ساری عصری اسکولوں میں اردو سبجیکٹ پڑھانے کے لیے بھی ان علماء کا تقرر ہو رہا ہے، ان کی خدمات لی جا رہی ہیں۔ تو الحمدللہ، اسکولوں میں ایک طرف ان کی وجہ سے جو ہے اردو لینگویج بھی آ رہی ہے، اور دینی تعلیم کا بھی ان کے ذریعے نظم اسکولوں میں ہو جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ، ہمارے علماء چونکہ ان کے سامنے تجارت کے فضائل ہیں، تو وہ ان چیزوں پر فقط جو ہے موقوف نہیں رہتے، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اپنے لیے دیگر وسائل و ذرائع کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور عام طور سے آپ دیکھیں گے الحمدللہ، علماء اکرام بہت خوشحال نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ ناظرین، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، دینی مدارس میں عصری علوم کی اہمیت اور افادیت۔ اس موضوع پر مزید اور ہمیں وضاحت دینے کے لیے اور آپ کی خدمت میں معلومات پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں جناب شبیر احمد حسینی ندوی، جو شہر بنگلور کے
मशहूर दीनी दर्जगाह इस्लाहुल बनात के आप मोहतमिम हैं, जहां लड़कियों की दीनी तरबियत का अहतमाम किया जाता है। मौलाना, चूंकि आप लड़कियों की दीनी तरबियत के मरकज़ इस्लाहुल बनात के मोहतमिम हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अपने वतन अज़ीज़ में लड़कियों की दीनी तरबियत और दीनी तालीम का क्या नज़म है, इस पर कुछ मालूमात हमें पहुँचाएँ। आपका सवाल माशाल्लाह बुनियादी और बहुत ही अहम है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम में जिस तरह लड़कों की तालीम का अहतमाम और इंतज़ाम और इसकी फजीलत बयान की गई है, जी हाँ, ठीक इसी तरह लड़कियों की तालीम और तरबियत को भी इस्लाम ने बड़ी अहमियत दी है। शुरू ज़माने से इसका माहौल और मिजाज रहा है, इसीलिए आप देखते हैं इस्लामी तारीख में बहुत बड़ी बड़ी आलिमा और मुअल्लिमात दुनिया में गुजरी हैं। खुद हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बारे में आता है कि बड़े बड़े उलमा उस ज़माने के हज़रत सहाबा में से, बड़े बड़े मुफ्ती जिनको नबी ने अपनी मौजूदगी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौजूदगी में फतवा देने की इजाज़त दी थी, वो सहाबा भी हज़रत आयशा के पास कोई मसला उनके सामने होता, समझ में ना आता तो मसला लेकर आते, और अम्मा जान हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा चुटकियों में और सलवटों में उस मसले को हल कर देती थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से रिवायत चली आ रही है, हमारे ज़माने में भी, आजकल के ज़माने में भी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हमारे मुल्क में भी ये परंपरा बाकी रही है कि उस्ताद और शागिद का सिलसिला भी बाकी रहा है। हमारे हिंदुस्तानी और भारतीय विद्या जो सकाफत है उसके अंदर भी ये निज़ाम बाकी है कि आज भी गुरु शिष्य परंपरा जो है, गुरु शिष्य परंपरा जो बाकी है उसकी रिवायत बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हमारे मुल्क के अंदर भी बड़ी बड़े मदारिस हैं और औरतों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। हमने सुना है, हमारी किताबों में लिखा हुआ भी है, पढ़ा भी है कि हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह के ज़माने में घरों में औरतें अपने घर में बच्चों को खुद पढ़ाती थी। अच्छा। और हर घर में हाफिज़ कुरान होता था और हर घर में बच्चा आलिम दीन होता था और हर घर में बच्चा पढ़ा लिखा होता था। ये औरतों की तालीम याफ्ता होने की दलील है। औरतें पढ़ी लिखी होती हैं तो खुद ब खुद अपने घर के बच्चों को पढ़ा देती हैं। दीनी मदारिस का जो नज़म है, जो उसका इंतज़ाम है, मुल्कगीर पैमाने पर है, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से रहा है इस, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये माहौल बाकी है। मुल्क के अंदर भी कई इलाकों में ऐसे हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 2,000-2,500 लड़कियाँ एक एक मदरसे में पढ़ती हैं। जी जी, ये रिवाज आज भी बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना, जिस तरह के असरी तालीमी दर्जगाहों में करिकुलम या एकेडमिक सिलेबस वगैरह हुआ करती है, ज़ाहिर है कि वाज़ह तौर पर दीनी मदारिस का भी अपना एक नज़म होता है। आप मुझे ये बताएँ कि जहाँ लड़कियों की दीनी तालीम का और कुरान हदीस वगैरह की जो तालीम दी जाती है, वहाँ सिलेबस का पैटर्न क्या हुआ करता है, इसकी तरतीब क्या हुआ करती है, और मदारिस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इंतज़ामिया, इसकी क्या सूरत हाल हो सकती है। जी हाँ, आपका सवाल बहुत ही बुनियादी और बहुत मालूमाती है। जी जी हाँ, लड़कियों के मदारिस में बनिस्बत लड़कों के आजकल रुझान ज़्यादा है। अच्छा। एडमिशन्स के लिए लोगों की तरफ से तकाज़े भी ज़्यादा हैं। अच्छा, रिस्पांस रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, और बहुत सारे मदरसे जो लड़कियों के खुले हैं वह बहुत जल्दी उनके एडमिशन भी हो जाते हैं। अच्छा। इससे भी मालूम होता है कि लोगों में अपनी बच्चियों को पढ़ाने का जज्बा और मिजाज बनता जा रहा है। अच्छा। जहाँ तक आपने बात कही है हमारे मदरसे यहाँ इस्लाहुल बनात में, यहाँ हमारे एक साल पहले से लोग अपने बच्चियों के एडमिशन के लिए दरख्वास्त जमा करते हैं। हमारे यहाँ ये 2 साला तरबियती इस्लाही दावती कोर्स है, एक शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स इन इस्लामिक स्टडीज़, ये समझ सकते हैं आप इसको। अच्छा, हम इसकी कोई डिग्री नहीं देते। बाकी जो मदारिस हैं लड़कियों के, जहाँ 5-6 साला कोर्स है, वो इक्वेलेंट टू दी अदर बॉयज़ मदरसा जो हैं उसके मुताबिक ही उनका हिसाब होता है। थोड़ा सा उसके अंदर सब्जेक्ट्स कम कर देते हैं, बाकी वहाँ 5-6 साल के अंदर सारी वो किताबें पढ़ाते हैं जो रेगुलर मदारिस के कैरिकुलम होता है उसके मुताबिक होती है तालीम। जी, जी, जी। तो यहाँ हम ज़्यादातर बड़ी लड़कियों को एडमिशन लेते हैं, 14-15 एंड अबव। यूजुअली हमारे पास जो आने वाली बच्चियाँ हैं थी वो अबाउट आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ द 10th स्टैंडर्ड वो यहाँ एडमिशन लेती हैं। वी प्रेफर देम ऑल्सो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 साल के अंदर एक ऐसी उनकी तरबियत होती है कि वो एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छी बेटी, अच्छी बहू बनकर यहाँ से निकलती हैं। अच्छा। जाने के बाद वो हम जो उनको पढ़ाते हैं उनके अंदर ये बात इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं कि पढ़ने के बाद पढ़ाना है, तो वो जाने के बाद दूसरों को पढ़ाने का फ़िक्र करती हैं। वो गोया कि एक मदरसा अपने यहाँ शुरू करती है।
मौलाना, जिस तरह अभी आपने बताया कि आपके पास जो दीनी मरकज़ है यहाँ का तालीमी निज़ाम अलग तरबियती है जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि मुल्क के दीगर हिस्सों में, दीगर इलाक़ों में जहाँ लड़कियों की दीनी तालीम का नज़्म है, इंतज़ाम है, वहाँ तालीम के लिए क्या क्या कोर्सेस हैं, उसकी क्या तरतीब है, लड़कियाँ किस दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल कर रही हैं, इसके बारे में कुछ मालूम है? जी हाँ, दीगर मदारिस में 5-6 साल आलिमा का कोर्स होता है, उमूमन यही आम तौर से होता है मदारिस में। अच्छा। शोबे हिफ्ज बहुत कम जगहों पर होता है और उसमें दाखिले भी कम ही हुआ करते हैं। जी जी। उसकी एक वजह यह है कि लड़कियां अपना हिफ्ज बाकी नहीं रख पा सकती हैं, ये एक कमज़ोरी होती है, इसलिए उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, उसकी तफसील में इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से लड़कियाँ के हिफ्ज करने का रुझान भी कम होता है, मदारिस में दाखिले भी उसके सिलसिले में कम होते हैं। कुछ जगहों पर उसका बाकायदा इंतज़ाम शोबे हिफ्स का भी लड़कियों का है, बाकी 5-6 साल आलिमा का कोर्स जो कहा जाता है वो ज़्यादा उस पर तवज्जो दी जाती है। उसके लिए मुल्क भर में दाखिले की अच्छी खासी मांग भी है और वालिदैन अपने बच्चियों का दाखिला जो लड़कियां जो हैं वो ये आलिम कोर्स में अपने जो रिवायती जो मजामीन होते हैं जैसे कि कुरान है, हदीस वगैरह, फिक वगैरह, इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि वो असरी उलूम जो है, जिस तरह की अंग्रेज़ी की बुनियादी तालीम हुई, हाँ। हिसाब की कुछ बुनियादी तालीम हुई, साइंसी शऊर के लिए साइंसी तालीम हुई, कंप्यूटर की तालीम हुई, क्या इसका भी नज़्म? अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मदारिस के अंदर ये सारी चीज़ों को इनकलकेट किया जा रहा है अपने रेगुलर कैरिकुलम के साथ साथ। जी हाँ। कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशन के बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, मॉडर्न एजुकेशन के जो अहम सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपने जिक्र खुद ही कर दिया, उन सारी चीज़ों को माशाल्लाह शामिल निसाब किया जा रहा है। लड़कों के मदारिस में तो हो ही रहा था, अब लड़कियों के मदारिस में भी इधर होने लगा है। दुनिया दोनों साथ चलती है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हमारे यहाँ तकसीम नहीं है दीन की तालीम दुनिया की तालीम। अच्छा। इस्लाम ने एक ही तालीम का तस्वुर दिया है, उसमें डिवैलिटी नहीं है, उसमें वननेस है। अच्छा। तालीम तालीम एक ही है जो हमारा शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है। अच्छा। एक ही छत के नीचे सारे उलूम होते थे, ये तकसीम इधर हो गई है बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो गया है। अच्छा, अच्छा। तो बहुत सारी जगहों पर इसकी कोशिश भी हो रही है कि इसको फिर से वापस हमारा जो रिवायत है, हमारी जो रिवायत है मदारिस की, जहाँ पर सारे उलूम एक छत के नीचे हों, अंडर वन शैडो कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही है। आजकल मदारिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें मसरी तालीम की इसमें दाखिल की जा रही है। मौलाना, अपने मुल्क में मरकजी हुकूमत यानी यूनियन गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटीज़ अकलियतों की तालीमी तरक्की के लिए और तालीमी मैदान में पेशरफ्त के लिए खुसूसी तौर पर यह तवज्जो दी जा रही है कि मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए, इमदादी स्कीमों के ज़रिए, कि दीनी मदारिस में भी असरी उलूम की तरक्की के लिए, उसकी जो ट्रेंड है उसको आगे बढ़ाने के लिए कई स्कीम्स लागू की गई हैं ताकि क्वालिटी एजुकेशन उनमें आए, वो भी मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएँ। इन स्कीमों के ताल्लुक से किस तरह मदारिस इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सवाल बहुत ही अहम भी है और माना खैज भी है। जी हाँ। मुल्की सतह पर हुकूमत हिंद ने अकलियतियों की, माइनॉरिटीज़ की के लिए बहुत सारी स्कीम्स को जारी किया है। जी हाँ। और मदारिस इस्लामिया के लिए भी हुकूमत चाहती है कि वो अपलिफ्ट हों और उनके अंदर भी तरक्की हो, उसके लिए भी कुछ स्कीम्स हुकूमत ने लाई है। बाज़ इलाक़ों के अंदर सुनने में आया है कि कुछ लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है, मदारिस के सिलसिले में जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसको हासिल किया है, और बाज़ मदारिस वाले अभी ये सोच रहे हैं, पसोपेश में हैं कि हम ही लेना है, कैसे लेना है, लेना नहीं लेना है, इस पर भी कुछ बाज़ हज़रात सोच रहे हैं। अच्छा। ये एक अच्छी सोच है, अगर ये बात आम होती है और इसके फ़ायदे सामने आते हैं मदारिस को, तो दीगर मदारिस वाले भी इस स्कीमों से फ़ायदा इंशाल्लाह इन फ्यूचर उठा सकते हैं। जी जी। और इसकी तफसीलात को भी हमें लेने की भी कोशिश करना चाहिए। अच्छा। मेन स्ट्रीम की जहाँ तक आपने बात की है और दीगर मदारिस को मेन स्ट्रीम में लाने की, तो मैं समझता हूँ कि मदारिस वाले अपने एतबार से वो अपने आप को मेन स्ट्रीम ही समझते हैं। अच्छा। कि जिन जिन जिस तालीमी मैयार को वो लेकर चल रहे हैं, जो बड़े बड़े मदारिस हैं मुल्क में, वो अपने आप को मेन स्ट्रीम में ही लेकर चल रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोगों के जहनों में जो मेन स्ट्रीम है, वो मेन स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट उनके जहनों में है वो हो सकता है कि अलग होगा, मदारिस के जिम्मेदारों के जहनों में जो कॉन्सेप्ट मेन स्ट्रीम का है
वो अलग होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उसको हमें समझना चाहिए कि वो क्या डिफरेंस है। वो किसी और मौके पर आप चाहे तो समझ भी सकते हैं, चूँकि मौका भी इसका इस वक्त नहीं है, तो आपने वक्त भी इतना रखा है। तो इसमें ये समझता हूँ मैं कि मेनस्ट्रीम में मदारिस, बड़े मदारिस जहाँ तक हुए कि मेनस्ट्रीम में चल रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि वो इनकॉर्पोरेट किए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अपने कैरिकुलम में इन्होंने दाखिल किया है। दिस इट्सेल्फ इज़ ए गुड चेंज इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो अभी हम लोग दारुल उलूम देवबंद गुज़िश्ता साल गए थे, वहाँ एक बाकायदा सारे बड़े अकाबिर उलमा के साथ एक मशवरा हुआ। वो हजरात ये चाहते थे, हम लोगों को उन्होंने दावत दी थी, बेंगलोर से हमारा एक डेलीगेशन गया था, वो दावत दिए थे कि हम ये बताइए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चीज़ें इस वक्त पर मदारिस के ताल्लुक से हैं उसको हम किस हद तक ले सकते हैं, किस हद तक हमें लेना चाहिए, किस हद तक फ़ायदा हो सकता है, ना लेने से क्या नुकसान हो सकता है। तो ये ख़ुद बात बताती है कि मदारिस वालों के अंदर भी इस वक्त पर एक बात का एक एहसास है कि जो कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशन है वो हमारे मदारिस के निज़ाम में उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो सबों ने इसको सराहा, पॉजिटिव वे में लिया, और हमने उनको बहुत आसान तरीक़ा बता के दिया कि आप NIOS के ज़रिए से ये मेन स्ट्रीम अपने तलबा को मेन स्ट्रीम में ले जा सकते हैं और इस मॉडर्न एजुकेशन को भी अपने स्कूल के मदरसे के एजुकेशन के साथ साथ सिलेबस के साथ साथ चला सकते हैं। तो एक तरतीब माशाल्लाह हो रही है। कुछ दिनों से ये लॉकडाउन वगैरह की वजह से काम रुक गया है, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि मदारिस वाले भी इस सिलसिले में फ़िक्रमंद हैं। एक अच्छी शुरुआत इंशाल्लाह वहाँ से हो सकती है, दारुल उलूम देवबंद से होती है तो फिर वो पूरे मुल्क के लिए एक नमूना बन सकता है। आज के दौर में दीनी मदारिस में असरी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि इसको सारे मदारिस में हिंदुस्तान में आम करना बहुत अहम है। इसलिए नहीं कि तलबा को इससे कोई रोज़ी का मसला हल हो जाए, बल्कि इससे ये जान सकेंगे कि हालात क्या हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और हमारा रोल क्या है और किस तरीक़े से उम्मत की रहबरी कर सकें। अगर मदारिस के तलबा को NIOS के तहत मेट्रिकुलेशन या प्री यूनिवर्सिटी या इंटरमीडिएट के इम्तिहानात को मदारिस में कोशिश करके उन बच्चों को पढ़ाकर इन इम्तिहानात में अगर कामयाब होने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदेमंद बात होगी। इससे बच्चे सिर्फ दीनी तालीम नहीं बल्कि असली तालीम में भी आगे तरक्की कर सकेंगे, मसलन ग्रेजुएशन कर सकेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर कोई एक निज़ाम बन जाए तो मदारिस के बच्चों के लिए भी अच्छा होगा और उम्मत के लिए भी इनसे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मदारिस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको है ना कंप्यूटर साइंस ये और इंग्लिश मैथ साइंस एक सिलेबस है ना, ऐसा होना चाहिए बच्चों को पूरी तारीख भी मालूम होना चाहिए और हिसाब अंग्रेज़ी कंप्यूटर साइंस ये सब चीज़ें आप मालूम होना चाहिए। उस वास्ते हर मदारिस में उसका इंतज़ाम करना, अब कन्नड़ा है स्टेट लैंग्वेज है कन्नड़ा और इंग्लिश ये सब अगर से करें तो बच्चे है ना तरबियत हासिल करके आइंदा उनकी ज़िंदगी है ना रोशन होती है। दीनी दरसगाहों में असरी उलूम की अहमियत और इफादियत इस मौजू पर गुफ्तगू में हमारे साथ कई अहले नज़र और माहिरीन शामिल रहे हैं। अब हमारे साथ हैं रियासत के सीनियर आफिसर सैयद ज़मीर पाशा साहब जो साबिक IAS आफिसर रह चुके हैं। दीनी उमूर और मिली उमूर और तालीम के कई ऐसे मुख्तलिफ मौजूआत पर आप गहरी दस्तरस रखते हैं, कई तालीमी इदारों से आपकी वाबस्तगी रही है। मैं आपको सबसे पहले ये ज़हीन नशीन कराना चाहता हूँ कि इस्लाम एक चंद हुकूक़ और इबादत का मजमू नहीं है बल्कि एक कामयाबी ज़िंदगी का एक मुकम्मल दस्तूर अमल है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, एक मुकम्मल तहजीब है। जो दीनी मदारिस में दीनी तालीम की दीनी उलूम की जो अहमियत को बताया जा रहा है, मैं आपको भी ये ज़हन नशीन कराना चाहता हूँ कि इस्लाम में दीनी तालीम अलग नहीं है, दुनियावी तालीम अलग नहीं है। हालांकि इस्लाम दोनों उलूम का जामिया है। अब यहाँ मुझे मेरा तजुर्बा जो रहा, हालांकि सर्विस में तकरीबन 34 साल मैंने बेनो कर्नाटक हुकूमत में काम किया, काफ़ी उलमा इकराम की सोहबत में रहे और दुनियावी तालीम से भी हम वाकिफ़ रहे, लेकिन
जो दीनी उलूम के बारे में, जो उसकी अहमियत के बारे में दो राय है ही नहीं। इन मदरसों से जो है काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए हैं। मैं कहता हूँ दीनी मदारिस जो है ये जो है किरदार साजी, अखलाक साजी का के मरकज़ हैं, वो हमारे दीन के किले हैं। जहाँ दुनियावी तालीम की बात कर रहे हैं, मैं देखते आया हूँ कि जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। क़ुरान इसमें जो है दुनियावी तालीम, दीनी तालीम क़ुरान मजीद के मुताले से पता चलता है कि हमको साइंस भी पढ़ना है, एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ना है, एनाटॉमी भी पढ़ना है, लैंग्वेजेस पे उबूर भी हासिल करनी है। तो मेरा तजुर्बा चंद मदरसों में रहा कि इतने बच्चे अरबी के साथ, उर्दू के साथ बेहतरीन कन्नड़ में भी बात करते हैं, अंग्रेज़ी में भी बात करते हैं। और जो स्कीम जो है प्रोवाइडिंग स्पेशल क्वालिटी क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा एजुकेशन, उसमें साइंस कंप्यूटर साइंस की तालीम ये होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं देखता हूँ, जहाँ मेरा खुद ज़ाती तजुर्बा रामनगर में जो एक मदरसे मदीनतुल उलूम जो हमारे ट्रस्ट के तहत चलता है, तकरीबन 300 अफराद वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। वहाँ पे शोबे हिफ्ज़ है, वहाँ पे जो है आलमियत का कोर्स है। अब हम सोचा जा रहा है कि ये बच्चों को जो है उनकी उम्र के लिहाज से उनको जो है 8th, 9th and 10th नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में उनको जो है ऑनलाइन एनरोल करके जो है उनको, जब उनकी उम्र 14 साल की होती है तो इस सिलसिले सर्टिफिकेट भी उनको दिया जाता है। एक हाफिज़ कुरान उनके साथ इस सिलसिले सर्टिफिकेट भी हुई तो उसके रोज़गारी के लिए भी बहुत आसानी हो जाती है। हमारे मदारिस में जो है साइंस की तालीम, कंप्यूटर एजुकेशन की तालीम, सोशलॉजी, हिस्ट्री, ये तालीम देना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे एक अच्छे बेहतरीन शहरी बन के निकले, एक सही मुसलमान बन के निकले, आइंदा जो है अच्छे अच्छे ज़िम्मेदारियाँ संभालने की काबिलियत और सलाहियत पैदा हो। दीनी मदारिस में कंटेम्प्रेरी एजुकेशन यानी असरी उलूम के मुतालिक हमने कई अहबाब से जो ज़िम्मेदार हैं उनसे गुफ्तगू की। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो अहबाब जुड़े रहे, हम उनका बेंगलोर दूरदर्शन की जानिब से दिली शुक्रिया अदा करते हैं।